हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल दे विच। दोस्तों आज मैं नर्सरी तो लिया गुलाब असी किस तरह अपने घर गमले विच या जमीन विच लगाइए उस बारे थानू इस वीडियो विच जानकारी देवगा। अगर तुसी इन चीज़ों नू फॉलो करोगे थोड़ा लिया गुलाब कदे भी नहीं मरेगा, क्योंकि जो असी नर्सरी तो गुलाब लिया बहुत कॉस्टली आता है। आ गुलाब है दोस्तों, मैं 250 रुपये का लैके आया हाँ। ये डच गुलाब है। अज मैं थानू पूरी इस वीडियो में जानकारी देवगा किस तरह तुसी इंग्लिश गुलाब नू अपने घर लगा सकते हो नर्सरी तो लिया के। ये देख सकते हो तुसी मेरे गुलाब किन्ने वधिया चल रहे हैं। ये टाइगर गुलाब है। चलो हुण ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए दोस्तों मैं वीडियो शुरू करदा हाँ। सब तो पहला जदों तुसी इस तरह नवा प्लांट लै आंदा है इसनू इसदे ग्रोइंग बैग चो कढ़न तो पहला तुसी एक बहुत जरूरी काम करना है दोस्तों। एक पानी लैके बाल्टी विच उस विच फंगीसाइड पाउडर पा देना है। इस तरह इसनू पा के इसनू चंगी तरह हिला लो। इस तो बाद तुसी की करना है इस पानी दे विच ये जो थोड़ा गुलाब है ना इसनू डोब देना है इस तरह इसनू डुबा देना है कि इसकी मिट्टी भी विचली जो है वह नरम हो जाए। जो चीकनी मिट्टी लगी हुई है वह भी उतर जाएगी इस तो अच्छी तरह। तो नंबर दो दे उत्ते जो भी इस विच फंगस होगी वह सारी 10-15 मिनट विच निकल जाएगी। इस तरह तुसी गुलाब के बूटे 10 मिनट छड़ दो। जो तक साड़ी ये मिट्टी है जो ये नरम हो रही है उस टाइम तक असी इसकी सॉयल मिक्सचर बना लेने हैं दोस्तों। उस दे लई तुसी देख सकते हो गुलाब लगाण दे लई सानू कंपोस्ट ज़्यादा जरूरत पैंदी है। 30% मैं कंपोस्ट लई है, 30% जो है वो गार्डन की नॉर्मल सॉयल है मिट्टी है तुहाडी, तो इस दे विच 30% रेता है रिवर सेंड। हुण जदों तुसी इहनू मिक्स करना उस तो पहलां तुसी इस विच चंगी तरह फंगस वाला पाउडर पा लो, क्योंकि दोस्तों गुलाब नू सब तो ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम आती है। 2-3 ग्राम पा दिता है फंगीसाइड पाउडर, ये देख सकते हो तुसी। हुण इस दे विच मैं जो मेरी नॉर्मल मिट्टी ते रेता है उसनू मिक्स कर देवांगा। रेता दोस्तों इसलिए पाने हैं कि इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है पानी है वह अच्छी तरह निकल जाए, प्लांट के विच ज़्यादा टाइम पानी खड़ा ना रहे। ये देखो गुलाब नू, गुलाब का सीजन चल रहा है इसलिए इसनू बदन दे लई ग्रोइंग दे लई खाद की ज़्यादा जरूरत पवेगी। जो कंपोस्ट हुंदा है काउडंग कंपोस्ट है इस दे विच नाइट्रोजन की मात्रा बहुत हुंदी है, इसलिए मैं ज़्यादा इस दे विच कंपोस्ट लिया है। ये देखो तुसी ये मेरी मिट्टी तैयार हो गई है। ठीक है दोस्तों, जदों तक ये हुंदा है तुसी मैं गमले विच मिट्टी पा लैना है। दोस्तों मिट्टी पाने तो पहला तुसी ये ड्रेनेज होल चैक करने हैं, अगर ये थोड़े गमले विच नहीं होंगे तो थोड़ा बूटा खराब हो जाएगा। सब तो पहला ड्रेनेज होल के उपर इस तरह कोई ठिकरी या बट्टा रख दो कि इस दे विचो जो मिट्टी है वह बाहर ना निकले, ये बहुत जरूरी है इस तरह रखनी। ठीक है जी, हुण मैं इस दे विच थल्ले पहला थोड़ी जी रेता पा रहा हाँ नॉर्मल। ये देखो हुण इस दे विच जो मिक्सचर बनाया है उसनू 70% फिल कर दो। तुसी हमेशा जदों भी कोई नया नवा प्लांट लगाना है 4 इंच इन्नी जगह पानी दे लई छड़नी है गुडाई करने लई पानी दे लई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। हुण मैं प्लांट्स 10 मिनट बाद थोनू दिखाना है कट के। दोस्तों तुसी ये देख सकते हो इस दियां जो रूट्स है ये जो फीडिंग वाली रूट्स है सारियां देखो ऑटोमैटिक इसकी मिट्टी झड़ रही है। ये सब रूट्स इहदियां इस तरह पानी विच रखण ना बाहर आ गई हैं। ये हुण जल्दी मिट्टी दे विच मिक्सअप कर जाणगियां ते थोड़ा गुलाब हैल्दी रहेगा। तुसी जदों गुलाब लगाना ये देखना है कि ये जो ग्राफ्टड एरिया है इसदे ग्राफ्टड एरिए तो इन्नी मिट्टी विच रखनी है। ये नहीं करना कि इसनू ग्राफ्टड एरिया भी विच दब देना मिट्टी दे, अगर इस तरह करूँगे थोड़ा प्लांट खराब हो जाएगा फंगस लग जाएगी। ये देखो इस तरह सेंटर दे विच इसनू प्रॉपर सेंटर दे विच रख के इस दे विच तुसी इस तरह साइडां ते मिट्टी पा देनी। ये देखो
सेम कभी भी थोड़ा गुलाब अगर तुसी इस ढंग दे नाल इस तरह गुलाब लगाओगे थोड़ा गुलाब कभी भी खराब नहीं होगा। ये देखो सारी मिट्टी मैं इस दे विच जो सगा मिक्सचर थानू दसिया है वो पा रहा हाँ। तुसी अच्छी तरह मिट्टी नू इस तरह कर देना है, पुछ कर देना साइडां तो दबा देना है किसी चीज़ ना। इस दे नाल की है जो एयर पॉकेट है, एयर है हवा दे मिट्टी दे विच वो थोड़ी निकल जाएगी, थोड़ा प्लांट अच्छी तरह चलेगा। ये देखो इस तरह अच्छी तरह मिट्टी दबा देनी है, इस दियां एयर पॉकेट्स निकल जान। सेंटर तो नहीं ज़्यादा जोर नाल दबाना है इसनू, बस साइडां तो दबाना है कि मिट्टी बस सैटिंग हो जाए, इसकी सैट हो जाए इस दे विच। ये देखो दोस्तों थोड़ा प्लांट लग गया है। हुण मैं थानू इसनू पानी देना दसांगा, इसनू पानी किस तरह तुसी देना है जदों तुसी न्यू गुलाब लगाने हैं वो थानू दिखाना है मैं नेक्स्ट। तुसी दोस्तों पानी किस तरह देना है अपने जदों तुसी न्यू गुलाब नू पोट विच लगांदे हो। ये मैं 2 लीटर पानी लिया है, 2 लीटर पानी दे विच तुसी 2 ग्राम कोई भी फंगीसाइड पाउडर है थोड़े तो साफ है बेबिस्टन है ठीक है जी, कोई भी सिस्टमैटिक होवे सिस्टमैटिक फंगीसाइड इस तरह वह छिड़का लेना है अच्छी तरह पानी दे 2 ग्राम पा लेना है 2 लीटर से, क्योंकि न्यू जो तुसी गुलाब लगाते हो मिट्टी विच बहुत सारी फंगस होंदी है। थोड़ा गुलाब इन्ना कॉस्टली हुंदा है, अगर तुसी उस दे लई ये फंगीसाइड पानी नहीं पाऊंगे तो खराब होने का उसका खतरा ज़्यादा रहता है। देखो इस तरह इसनों अच्छी तरह मिक्स कर लो, पहला पानी तुसी भर के देना है जो कि ड्रेनेज होल तो नीचे निकल जाए, तो नाले एक तो उस दे विच ड्रेनेज होल चेक हो जाएगा कि थोड़ा ड्रेनेज होल सही है या नहीं है या उस दे विचों पानी निकलता है। इस तरह अच्छी तरह मिला के ड्रेनेज होल इसका चेक करना है, अच्छी तरह वाटरिंग करनी है इसनों। ये तुसी देख सकते हो ये मैं हुण गुलाब नू पानी लगा देन इस तरह देना है। फस्ट टाइम जो वाटर देना है तुसी मिट्टी दे विच कोई पत्थर जब रोड़ा रख के इस तरह उसके उपर पानी दो कि इसकी मिट्टी है जो वो हटे ना उपरों बाहर ना निकल जाए। देख सकते हो तुसी अच्छी तरह भर के। दोस्तों अगर तुसी भी इस तरह अपना गुलाब नवा लगाओगे नर्सरी तो लिया होया कभी भी थोड़ा गुलाब खराब नहीं होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, वधिया चलेगा, वह कोई डाई बैक प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर थोनू मेरी इन्फॉर्मेशन वधिया लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।